हाय गाइज, मैं हूँ अर्चना एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने स्टाइल करी थी एक पर्टिकुलर शॉल इन फोर डिफरेंट वेज। एक शॉल को मैंने चार तरीकों से अपनी इस साड़ी के साथ पहना है। तो होता है क्या, जैसे हम विंटर्स वगैरह में जाते हैं शादियों में, तो हम यूजुअली शॉल को एज अ बैकअप कैरी करते हैं, उसे बैग में रख लेते हैं सोच के कि अगर बाई चांस ठंड लगी तो हम उसे पहन लेंगे। बट अगर इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी शॉल को ड्रेप करके जाएं, अगर यू नो शॉल को ही हम अलग तरीके से पहन के जाएं ताकि हमारा लुक भी ना खराब हो, एट द सेम टाइम वो आपके लुक में एक एडिशन हो, एक एड ऑन हो, आपके लुक को वो एनहांस करे वो शॉल, तो आप उसे भी कैरी कर सकते हैं ऑलरेडी। और आपको मतलब बैग में एक एक्स्ट्रा तरीके से कैरी भी नहीं करना पड़ेगा, लुक भी आपका अच्छा रहेगा और आप ठंड से भी बचेंगे। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, यू नो आजकल जो ठंड हो रही है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, तो अगर आपको ऐसे में शादियों में जाना है तो क्यों ना उन शॉल को हम ऑलरेडी पहन के जाएँ, ठंड से भी बचें और लुक भी अच्छा कैरी करें। तो वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो शेयर करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, मैंने सारे ड्रेप इस साड़ी पे किए हुए हैं। ये साड़ी मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इन केस अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं अपने लिए। तो चलिए अब जल्दी से सारे ड्रेप शुरू करते हैं। तो पहले लुक के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने शॉल को तीन पार्ट्स में फोल्ड किया है। जैसे हम नॉर्मली कोई भी दुपट्टा भी कभी कभी फोल्ड करते हैं यू नो साइड में कैरी करने के लिए, उस तरीके से आपको बस शॉल को तीन पार्ट्स में फोल्ड करना है और फिर उसे शोल्डर पर कैरी करना है। उसके बाद आप दोनों तरफ से लेंथ चेक कर लीजिए कि फ्रंट और बैक में लेंथ बराबर आ रही है या नहीं। उससे एक हो जाता है कि लुक थोड़ा सा नीट लगता है, इवन लगता है, तो इसलिए आप उस लेंथ को चेक कर लीजिए। फिर आप शोल्डर पे सेफ्टी पिन से अपनी शॉल को अपने टॉप में या ब्लाउज में या स्वेटर में जो भी आपने पहना हुआ है वहाँ पे पिन लगा के सिक्योर कर लीजिए और एंड में एक बेल्ट ऐड कर दीजिए। बेल्ट ऐड करने से क्या होता है, आपके लुक को स्ट्रक्चर मिल जाता है, लुक बहुत नीट लगता है, एक लुक को एनहांस कर देता है। और अगर थोड़ा सा वेडिंग में थोड़ा सा फॉर्मल लुक आपको कैरी करना है तो आप इस तरीके का लुक बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं और बहुत ही स्मार्ट लुक लगता है ये ओवरऑल। नाउ गाइस, नेक्स्ट लुक के लिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से शॉल को साइड में कैरी किया हुआ है। उसके बाद मुझे क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ लाकर वहाँ पे सेफ्टी पिन लगानी है। इससे क्या होगा, आपका पूरा साइड में शॉल आ जाएगी और आप देख सकते हैं पूरा आपको कवरिंग भी मिल रही है। आपके सेफ्टी पिन ऐड करने से वो शॉल एक जगह पर फिक्स भी हो जाएगी, यू नो इधर उधर भागेगी नहीं और आप बहुत ही फ्रीली अपने फंक्शन को भी इन्जॉय कर पाएंगे और जो लुक है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक भी देगा, आपकी शॉल भी बहुत अच्छे से फ्रॉन्ट कर सकते हैं इस तरीके के लुक में और आपकी साड़ी भी जितनी दिखनी चाहिए वो दिखेगी। और अगर आपने कोई स्वेटर वगैरह पहना है तो वो भी उससे कवर हो जाएगा और पूरा लुक आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रेडिशनल एथनिक लुक लग रहा है। एट द सेम टाइम आप अपनी शॉल को फ्रॉन्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा सा विंटर्स के लिए ये लुक आप कैरी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। नाउ गाइस, फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने यहाँ पे शॉल को बहुत सिंपल तरीके से, जैसे हम ट्रेडिशनली शॉल को हमने अपनी मदर्स को देखा हुआ है, अपनी मम्मियों को, अपने घर में लेडीज़ को हमेशा से पहनते हुए देखा है शॉल को, उस तरीके से आपको नॉर्मली शॉल को बस कैरी करना है। बट आपको एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ क्या करनी है, सामने एक पिन ऐड करना है। पिन ऐड करने से क्या होगा, आप यू नो फ्री हो जाओगे, आप बहुत ही फ्रीली शॉल को कैरी कर पाओगे और मतलब शॉल को आपने अच्छे से कैरी भी कर लिया है, आप ठंड से भी बच रहे हो बट आप फ्री भी हो, आपको बार बार उसे संभालना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से भी आप शॉल को कैरी कर सकते हो, सिंपल लुक है, बस थोड़ा सा पिन ऐड करने से एक थोड़ा सा मॉडर्न लुक बन जाता है और लुक भी अच्छा लगता है। नाउ गाइस, फॉर द लास्ट लुक मैंने यहाँ पे साड़ी को सीधे पल्ले में पहना हुआ है, जैसे गुजराती स्टाइल साड़ी पहनते हैं उस तरीके से मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी हुई है और उसके साथ जो शॉल है उसे उल्टे पल्ले में कैरी किया हुआ है। मतलब शॉल का एक एंड मैंने जहाँ पे मेरी प्लीट स्टार्ट हो रही है ना साड़ी की, वहाँ पे टक किया है और फिर अपने सीधे पल्ले के अंदर से लाते हुए मैंने शॉल को सामने से कैरी किया हुआ है। मतलब इस तरीके से एक डबल पल्लू लुक क्रिएट हो जाता है और इस लुक पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो किया हुआ था डबल पल्लू लुक सोनम कपूर से इंस्पायर्ड होकर, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। और आपको इस तरीके का लुक तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैं साड़ी का पल्लू भी फ्रॉन्ट कर सकती हूँ और अपनी शॉल भी अच्छे से फ्रॉन्ट कर पा रही हूँ। एट द सेम टाइम ये लुक कितना स्टैंड आउट कर रहा है, कितना डिफरेंट है, कितना यूनिक है। तो आप इस तरीके से अलग अलग शॉल के साथ लुक्स ट्राई कर सकते हैं और अपने फंक्शंस को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं बिना ठंड लगे। सो गाइज, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।